कहानी मासी माँ की। राजी, चल बेटा, स्कूल का समय हो गया। पता है ना, 2 दिन बाद तेरी परीक्षा है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन भी करना है। लक्ष्मी ने 8 साल की राजी से कहा, मासी, मासी माँ, मुझे मम्मी पापा से ज़्यादा आपका नाम रोशन करना है, ये बात आप जान लो। चेहरे पर एक चमक लिए राजी ने कहा। दोनों स्कूल जाने से पहले एक कमरे में गई, जहाँ एक महिला जो राजी की माँ थी और चुपचाप से बिस्तर पर पड़ी थी। बाय माँ, स्कूल से आकर मिलूंगी, कह राजी हाथ हिलाया, बाय कर निकल गई। स्कूल पास में ही था। राजी को छोड़कर लक्ष्मी घर आकर उस महिला के पास आकर उसके कपड़े बदल, खाना खिला, दवा देकर अपने काम पर निकल गई। जाते जाते वो बोल गई, जीजी, देखो मैं जल्दी आ जाऊंगी, पीछे से रानी को छोड़े जा रही हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। राजी की छुट्टी होते ही मैं उसे घर छोड़ जाऊंगी। बिस्तर पर पड़ी महिला, जिसका नाम चंपा है, अपनी हालत देख बस आंसू बहा सिर हाँ में हिला दिया करती। चंपा लक्ष्मी के जाने के बाद अक्सर उस मनहूस दिन को याद कर बिखल पड़ती। कितनी खुश थी वो मदन के साथ, 4 साल की राजी को जहाँ भर की खुशियाँ देने के लिए। दोनों जी तोड़ मेहनत करते थे, हर दिन दिहाड़ी पर निकलते और बेटी को भी साथ ले जाते। एक दिन कुछ बदमाश किस्म के लोग उस जगह पर आ गए जहाँ मदन और चंपा काम करते थे। शराब के नशे में धुत वो बदमाश चंपा को देख छेड़खानी करने लगे। मदन के सामने जब वो ऐसी हरकतें कर रहे थे तो वो उनसे भिड़ गया। फिर क्या, सब लोग हल्ला सुन इकट्ठे हो गए और वो बदमाश वहाँ से भाग गए। उस दिन के बाद से वो बदमाश इनके पीछे ही पड़ गए। एक दिन रात के अंधेरे में सब बदमाश मदन के घर घुस आए, चंपा के साथ जबरदस्ती करने लगे। ये देख मदन आग बबूला हो उन पर वार करने झपटा और गलती से चाकू चंपा के ही पैर में लग गया। बदमाश ये देखकर डर भाग गए और मदन चंपा को पकड़कर रोने लगा। बहता खून देख चंपा बेहोश हो गई और मदन को लगा चंपा उसके चाकू से वार से मर गई है। अपनी पत्नी की जान लेने के गम में वो खुद को माफ न कर गले में फंदा डालकर लटक गया। जब चंपा को होश आया, अपने पति को लटका देख दहाड़े मारकर रो पड़ी। मदन ने लिख दिया था कि मैंने बदमाशों से अपनी पत्नी को बचाने में जो चाकू मारा वो मेरी पत्नी को ही लग गया, जब वो ही नहीं रही तो मैं रहकर क्या करूँगा। मदन बिना सोचे समझे आत्महत्या कर चला गया। पीछे से चंपा अपने लहूलुहान पैरों का ठीक से इलाज नहीं करवा पाई और पैर बेकार हो गया था, काम छूट गया था। अब वो खोली भी डर से छोड़ चुकी थी। ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन वो बेटी के साथ सड़क पर उसके लिए खाने को कुछ मांग रही थी, तभी लक्ष्मी किन्नर का पूरा समूह उधर आ गया। कुछ लोग चंपा पर तंज कस रहे थे। ये देख लक्ष्मी गुस्से से भर गई और सबको फटकारा लगा। चंपा और उसकी बेटी को सड़क किनारे बिठा पूछने लगी, तुम्हें पहले कभी इधर नहीं देखा और तुम्हारे पैर को क्या हुआ है। चंपा जो पति के इस तरह चले जाने पर दर दर भटकने और बेटी भी भूख से परेशान थी और जो इतने से बिना खाए पिए थी, उसे चक्कर आ गया। लक्ष्मी को उस पर दया आई और वो उसे अपने साथ घर ले आई। चंपा के साथ साथ उसकी बेटी भी राजी की भी देखभाल करने लगी। चंपा एक पैर से लाचार हो गई थी, सदमे में वो सबसे बेखबर हो चुकी थी। बेटी कभी याद करती कभी नहीं, हर घड़ी बस मदन का ही ख्याल करती, रोती रहती। लक्ष्मी ने उस बेटी का नाम पास के स्कूल में लिखवा दिया। राजी दिन लगाकर पढ़ाई करती, अब चंपा से ज़्यादा लक्ष्मी के करीब आ गई थी, उसे मासी माँ कहने लगी थी। लक्ष्मी भी अपनी बेटी मान उसका पूरा ध्यान रखती। राजी को एक हिम्मती लड़की बनाने की उसकी पूरी कोशिश रहती।
समय गुजरने लगा। चंपा अब भी अपने में खोई रहती थी। राजी का आज कॉलेज का आखिरी दिन था। कन्वोकेशन में पेरेंट्स को भी निमंत्रण दिया गया था। पूरे कॉलेज में सबसे होशियार छात्रा का खिताब राजी को दिया गया और मंच पर जब उसे कुछ कहने को बोला गया तो राजी ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मासी माँ की वजह से हूँ। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। लोग कहते हैं ये तेरी माँ कैसे हो सकती है, पर मैं कहती हूँ ये क्यों नहीं हो सकती। क्या इनके सीने में दिल नहीं होता? ये भी इंसान है हमारी आपकी तरह। जब हमें किसी ने ना समझा ना सहारा दिया, उन्होंने हमें आसरा दिया, मेरी परवरिश की, मुझे शिक्षित किया। चाहे खुद पढ़ी लिखी ना हो पर मुझे शिक्षा का भरपूर ज्ञान दिया। आज मैं अपनी मासी माँ को आप सब से मिलवाना चाहती हूँ, कहकर राजी लक्ष्मी को मंच पर सम्मान के साथ बुलाकर आई। पूरा हॉल लक्ष्मी के कृत्य से भाव विभोर हो उठा था। सब ने तालियां बजाकर लक्ष्मी माँ का सम्मान किया और राजी को ऐसी परवरिश देने के लिए वाह वाही। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।